नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी दरगाह न्यूज। मैं हूं आपके साथ गिरीश मानव। आइए आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस। लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी और बहुजन समाज पार्टी गठबंधन चुनाव प्रचार में फिलहाल काफी पीछे, एक बार फिर बढ़ रहा है भाजपा का प्रभाव। इनसो के प्रदेश प्रवक्ता बलराज देशवाल और जिला अध्यक्ष राजेंद्र जैलदार की अगुवाई में छात्रों ने आर्य कॉलेज के गेट पर किया प्रदर्शन। पानीपत सीआईए टू पुलिस ने बरसत रोड से चोरों के गिरोह को किया गिरफ्तार। बीते एक महीने में हाउस टैक्स वसूली को लेकर निगम कमिश्नर वीणा हुड्डा ने जाहिर किया संतोष। निगम और फायर ब्रिगेड कर्मचारियों ने पीएफ और ईएसआई रिकॉर्ड मेंटेन करने वाली कंपनी के डायरेक्टर का किया खेराव। आम आदमी पार्टी का बयान, हरियाणा की सभी 10 लोकसभा सीटों पर लड़ेंगे चुनाव। और बच्चन सिंह बिष्ट बने कुमायूं संस्था के प्रधान। नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत। आइए अब विस्तार से जान लेते हैं इस बुलेटिन की सभी खबरें। लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के नेता एवं सांसद राजकुमार सैनी व उनकी गठबंधन पार्टी बसपा प्रचार में इतनी फिसड्डी साबित होगी, यह तो सियासी दलों ने सोचा ही नहीं था। याद रहे कि बसपा व लोसपा के बीच जब से गठबंधन हुआ है तभी से दोनों दल सियासी फलक से अदृश्य नजर आ रहे हैं। राजनीतिक क्षेत्रों का मानना है कि वैसे भी बसपा हरियाणा में कभी लोकप्रिय पार्टी बन ही नहीं सकी, सिवा 2009 के आम चुनाव के जब मान सिंह मनहेड़ा हरियाणा के प्रभारी बने और उस दौरान हरियाणा में गोहाना कांड के चलते हरियाणा का दलित कांग्रेस से नाराज था, जिसके प्रभाव से बसपा के उम्मीदवार भारी बढ़त ले गए। लेकिन जीत कांग्रेस उम्मीदवारों की हुई थी क्योंकि केंद्र में डॉक्टर मनमोहन सिंह की ईमानदार छवि के प्रभाव में मतदाता मनमोहन सरकार को एक और मौका देना चाहते थे। इसके अलावा मायावती के प्रधानमंत्री बनने के नारे ने भी गैर दलितों का कांग्रेस के पक्ष में ध्रुवीकरण करा दिया था। जाहिर है इस आम चुनाव में दलित कार्ड का कोई आधार नहीं है। जहाँ तक लोसपा के गैर जाट के कार्ड का सवाल है, वह कार्ड भी मौजूदा परिदृश्य में चलता नजर नहीं आ रहा है। अलबत्ता जिस प्रकार 2009 के आम चुनाव में मनमोहन सरकार को एक और मौका देने का जो नारा उस समय लोकप्रिय हुआ था, कुछ वैसा ही मंजर इस बार भी बनता प्रतीत हो रहा है। बुनियादी फर्क महज है कि 2019 के चुनाव में किरदार बदल गए हैं। जाहिर तौर पर अब डॉक्टर मनमोहन सिंह ना होकर किरदार नरेंद्र मोदी हैं। गांव हो या कस्बा या फिर शहर, एक हवा चलती दिख रही है कि मोदी फिर एक बार। इसलिए हरियाणा में राजकुमार सैनी की दाल बसपा की रसोई में गल जाएगी, इसके चांस बनते नहीं दिख रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी तहलका। पानीपत पुलिस की सीआईए टू को तब भारी सफलता मिली जब उन्होंने बरसत रोड से पानीपत के महाचोरों को गिरफ्तार किया। ये महाचोर पानीपत के लोगों का काफी समय से जीना हराम किए हुए थे। डीएसपी हेडक्वार्टर सतीश वस व इंस्पेक्टर दीपक ने बताया कि इस गिरोह का सरंगना विकास उर्फ विक्की निवासी कश्यप कॉलोनी जाटल रोड का निवासी है, जिसके खिलाफ 6 मुकदमे दर्ज है। सरंगना विकास 10 साल की सजा याफ्ता है और यह एक महीने पहले ही जमानत पर आया था। उसके गिरोह में रवि उर्फ मठी पासवान, जो बिहार का मूल रूप से निवासी है और हाल ही पता किशनपुरे में रहता है, रवि के खिलाफ पहले भी 6 मुकदमे चोरी के विभिन्न थाना में दर्ज है। इसके अलावा अजय कश्यप किशनपुरे का निवासी भी इस गिरोह का साथी चोर है। पुलिस ने इन महाचोरों से एक देसी पिस्तौल 315 बोर व अन्य हथियारों के साथ 4 LED, एक डेल लैपटॉप, 4 मोबाइल फोन जिसमें एप्पल कार्बन व लावा शामिल है व 60,000 रुपए व अन्य सामान बरामद किए हैं। ये साथी चोर वारदात के बाद भी यदि पकड़े जाते तो बाहर निकलते ही चोरी की वारदात में शामिल हो जाते हैं। हाल ही में लाल बत्ती चौक पर इन्होंने LED लैपटॉप व 10 पुराने मोबाइल चोरी कर लिए थे। इसके अलावा पानीपत के पंजाब एंड सिंध बैंक में भी 15 जनवरी को इन्होंने बैंक के अंदर घुसकर चोरी का प्रयास किया था, लेकिन सायरन बजने पर ये भाग गए थे और जाते हुए उन्होंने बैंक में तोड़फोड़ भी की थी। इसके अलावा समालका क्षेत्र में भी ये वारदातों को अंजाम दे चुके हैं। सूचना मिली थी कि अजीजुल्ला मोड़ पर बरसत रोड पर कुछ लड़के आते जाते यात्रियों से लूटपाट कर रहे हैं। इस सूचना पर हमारी सीआईए टू की टीम ने वहां पर रेड किया तो उन लोगों ने हमारे पुलिस की गाड़ी को भी रुकवाया इसी पर्पज से, लेकिन उसमें पुलिस थी तो हमारी पुलिस ने तुरंत उन लड़कों को काबू किया। 3 लड़के थे वो,
जिनमें एक रवि बिहार का रहने वाला है, एक विकास और एक अजय, ये पानीपत के रहने वाले हैं। तो उनके कब्जे से, रवि के कब्जे से मौका पर 315 बोर का एक पिस्तौल और एक ड्रोन, विकास और उर्फ विकी था उसके कब्जे से एक लोहे की राड और अजय के कब्जे से एक टॉर्च बैटरी मौका पर बरामद हुई, और जिनको गिरफ्तार करके हमारी टीम ने 2 दिन का पुलिस रिमांड लिया। और पूछताछ के दौरान उन्होंने और बहुत सारी वारदातों का करना माना जो हमारे समालखा थाने के इलाके की हैं, माल टाउन के इलाके की हैं। अधिकतर वो लोग घरों में चोरी करते थे और गाड़ियों की बैटरियां चोरी करते थे। और एक मुख्य घटना जो उन्होंने मानी, नवल सिनेमा के पास एक पंजाब नेशनल बैंक में चोरी का प्रयास उन्होंने किया था, वो सफल नहीं हो पाए थे क्योंकि वहाँ पर सायरन बज गया था बैंक का, तो वो भाग गए थे, तो वो घटना भी उन्होंने एक्सेप्ट की उनका। याद रहे कि पानीपत में आए दिन चोरों की वारदात से भय व सुरक्षा का माहौल बना हुआ है। निश्चय ही इन चोरों के पकड़े जाने के बाद जनता को काफी सुकून मिलने वाला है। सिटी तहलका के लिए नवीन कुमार की रिपोर्ट। सोमवार को आम आदमी पार्टी के प्रदेश सह संगठन मंत्री शोएब आलम ने एक प्रेस वार्ता कर बताया कि आम आदमी पार्टी हरियाणा में सभी 10 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है। लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर आम आदमी पार्टी आने वाली 3 अप्रैल को पानीपत रोड धर्मशाला में एक कार्यकर्ता सम्मेलन करेगी। इस सम्मेलन में मुख्य अतिथि हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर नवीन जयहिंद होंगे। मंत्री शोएब आलम ने कहा कि करनाल लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए उनकी पार्टी पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने कहा कि वह पूरी मजबूती व मुद्दों के आधार पर चुनाव लड़ेंगे। 9 की 9 विधानसभा के अंदर इस सम्मेलन की तैयारी चल रही है। हमारा प्रत्येक पदाधिकारी, चाहे वो बूथ लेवल तक का हो, वो इस सम्मेलन के अंदर शामिल होगा। और हम युद्ध स्तर पर 3 तारीख के बाद हम युद्ध स्तर पर चुनाव की तैयारी में जुट जाएंगे। रविवार को कुमायूं संस्था की कार्यकारिणी का चुनाव राजस्थानी धर्मशाला गीता मंदिर रोड पर संपन्न हुआ, जिसमें बच्चन सिंह विष्ट को सर्वसम्मति से प्रधान चुना गया। महासचिव बी मदन रावत, कोषाध्यक्ष दिगंबर रावत व उप प्रधान गौतम रावत को सर्वसम्मति से चुना गया। नगर निगम पानीपत में उस समय हंगामा हो गया जब निगम कर्मचारियों के ESI और EPF का रिकॉर्ड मेंटेन करने वाली कंपनी के डायरेक्टर अमित कुमार का निगम और फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों ने घेराव कर लिया। पता चला है कि नगर निगम और फायर ब्रिगेड से संबंधित कर्मचारियों के EPF और ESI अकाउंट का इस कंपनी को ठेका दिया गया था। हैरानी की बात यह है कि पिछले कई सालों से कर्मचारियों का PF और ESI की राशि ये कंपनी वसूल तो कर रही थी, लेकिन ना तो कर्मचारियों के ESI कार्ड जारी किए गए और ना ही उनके PF अकाउंट में इस राशि को डाला गया। ये लाखों रुपये का खपला था। इसे लेकर कंपनी अधिकारियों की मिलीभगत से अंजाम देती आ रही थी, लेकिन बाद में इसका खुलासा होने से अफसरों ने कागजी कार्रवाई करनी तो शुरू की, लेकिन कंपनी ने तब भी इस ओर ध्यान नहीं दिया। सोमवार को जब इस कंपनी के डायरेक्टर अमित कुमार इससे संबंधित जांच में शामिल होने के लिए निगम कार्यालय में पहुंचे, तो कर्मचारियों ने उनका घेराव कर लिया। कर्मचारी कंपनी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का दबाव बनाने लगे। बाद में शीर्ष अधिकारियों ने हस्तक्षेप कर वार्ता का रास्ता निकाला। कई घंटों की बातचीत के बाद अंततः कंपनी के निदेशक ने माना कि उनसे गलती हुई है। उन्होंने 30 लाख रुपये का एक चेक निगम आयुक्त के नाम दे दिया और 10 अप्रैल तक उसे कैश करवाने का भी वायदा किया है। इसके साथ ही कर्मचारियों की ESI कार्ड भी जल्द जारी कर दिए जाएंगे। निगम के प्रधान सुभाष ने कहा कि कर्मचारियों का इस कंपनी के ठेकेदार से फैसला हो गया है, लेकिन यदि 10 अप्रैल तक कंपनी ने भुगतान नहीं किया और खातों में पैसे जमा नहीं करवाए, कार्ड जारी नहीं हुए, तो कंपनी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया जाएगा। ऐसा है, जो PF और ESI के खाते हैं ना, ऐसे है कि इनके खातों में पेमेंट कम है, जो चलान कम है, किसी के 5,000 किसी के 15,000 ऐसे कम है, जिनमें से हमने जिसका कम है भाई पलंटी ना लगे उनके अकाउंटों में पैसा दे रखा है, उसका ब्यूरो भी हमने पूरा का पूरा कमिश्नर मैडम को दे दिया। ESI की सुन लो, ESI का ऐसा है, बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने लाखों रुपया माफ भी कराया, ठीक है। लेटेस्ट एग्जांपल दूं तो एक लड़का एक्सपायर हुआ था, उसका 1,72,000 रुपये माफ हुआ था, ठीक है। कल एक लड़का सुरजीत है कुंडू, उसका फोन आया था, उसको भी मेडिकल की सेवा लेके आया, उसका भी पानीपत के। हाँ, ये सारे इन्हीं की पहचान में की बात कर रहा हूँ।
जब ईएसआई बंद कैसे होता है या जो लगता है कैसे, जैसे अभी मेरी 3 महीने की पेमेंट रुकी, 3-4 महीने से निगम से, तो ईएसआई में तो पैसा डालेंगे तो चलेगा, अदरवाइज नहीं चलेगा, ये आपको ठीक है। ये 3-3 महीने अगर पेमेंट नहीं ली तो ईएसआई ऑटोमेटिक उसमें चला जाए। अब पीएफ का जितना है हम सारा चेक करने लग रहे हैं, अगर किसी भी बच्चे का अप डाउन होता है वो आज के आज उनके आरटीजीएस हो जाएगा। सोमवार को 2 जमा 5 जन मुद्दे आंदोलन के नेतृत्व में संगठन के स्वयंसेवकों व अभिभावकों ने लाल बत्ती स्थित राजकीय स्कूल में खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया। 2 जमा 5 जन आंदोलन के प्रधान सुकेंद्र बलियान ने कहा कि 5 दिन से साइट बंद होने के कारण अभिभावकों अपने बच्चों का ऑनलाइन आवेदन जमा नहीं करवा पाए हैं, इसमें कोई साजिश रची जा रही है ताकि कमजोर वर्ग के बच्चों को निजी स्कूलों में तकनीकी आधार पर देर होने के कारण दाखिला मिलने में बाधा पहुँचाई जा सके। उन्होंने प्रशासन से मांग की कि जल्द ही साइट को खोला जाए या फिर ऑफलाइन आवेदन स्वीकार किए जाए। माननीय हाईकोर्ट के आदेश नियम 134 के तहत जिस माँ बाप की सालाना आय 2 लाख रुपए या उससे कम है, उनके बच्चे हरियाणा के हर प्राइवेट स्कूल में फ्री शिक्षा पाने का अधिकारी है, जिसको लेकर शिक्षा विभाग हरियाणा सरकार ने 28 मार्च से 4 अप्रैल तक ऑफलाइन आवेदन मांगे थे, लेकिन ऐन मौके पर जिस दिन 28 मार्च को यहाँ पर आवेदन जमा होने थे, ठीक उसी समय 2 घंटे बाद डायरेक्टर के द्वारा जो शिक्षा विभाग अधिकारी है वीडियो कॉन्फ्रेंस की जाती है और ऑफलाइन आवेदन तुरंत बंद कर दिए जाते हैं। जजपा पार्टी की छात्र इकाई इनसो के प्रदेश प्रवक्ता बलराज देशवाल और जिला अध्यक्ष राजेंद्र जेलदार की अध्यक्षता में छात्रों ने आर्य कॉलेज के छात्र व छात्राओं से कैंटीन में खाने पीने की चीजों में ज्यादा पैसे लेने के विरोध में आर्य कॉलेज के गेट नंबर 3 पर जोरदार नारेबाजी और प्रचार का पुतला जलाया। इनसो छात्र नेताओं ने बताया कि आर्य कॉलेज में लगभग 5,000 के करीब विद्यार्थी पढ़ने आते हैं, लेकिन कैंटीन संचालक छात्र छात्राओं से निर्धारित रेट और मार्केट रेट से ज्यादा पैसे वसूले जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि समस्या को लेकर कई बार कॉलेज के छात्र व छात्राएं कॉलेज प्राचार्य से मिल चुके हैं, लेकिन समस्या जस की तस बनी हुई है। कॉलेज के छात्रों ने कहा कि इस कैंटीन की समस्या का जल्द ही हल किया जाए, नहीं तो इनसो कॉलेज के गेट पर तालाबंदी करेगी। इसमें से कॉलेज के छात्रों को कैंटीन के नाम पर लूटा जा रहा है, अंदर MRP रेट से ज्यादा पैसे बच्चों से कैंटीन में लिए जा रहे हैं। इस समस्या को लेकर आज हमने कॉलेज प्राचार्य जगदीश गुप्ता का पुतला जलाया है। ये काफी लंबे समय से बच्चों को परेशान कर रखा है। अगर हम कोल्ड ड्रिंक की बात करें तो 17 रुपए दी जाती है, MRP रुपए से ज्यादा क्यों दिया जा रहा है? मार्केट रेट से ज्यादा प्रत्येक चीज पर कॉलेज की तरफ से जो आर्य कॉलेज का जो कैंटीन संचालक है लगातार 5 वर्षों से छात्रों को लूटने में लग रहा है। पानीपत नगर निगम कमिश्नर वीणा हुड्डा ने हाउस टैक्स अभियान में हुई वसूली के प्रति फिलहाल संतोष जाहिर किया है। हालांकि उन्होंने माना कि अभी भी लोगों में टैक्स अदा करने के प्रति ज्यादा उत्साह नहीं है। निगम कमिश्नर ने बताया कि नगर निगम का हाउस टैक्स लगभग 27 करोड़ रुपए बकाया था, जिसमें से करीबन 1,65,00,000 रुपए की वसूली हो चुकी है। कमिश्नर ने कहा कि 1 महीना काफी समय होता है, इसमें उपभोक्ताओं को इस योजना का लाभ उठाना चाहिए था, लेकिन अब निगम 18% जुर्माना लगाकर ये राशि बकायेदारों से वसूल करेगा। उन्होंने कहा कि नगर के विकास के लिए टैक्स चुकाया जाना बेहद जरूरी होता है। डिमांड पिछले कुछ वर्षों में प्रॉपर रिकवरी ना होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा हो गई है, और तकरीबन 27,44,64,935 ये है जो हमारा बकाया प्रॉपर्टी टैक्स है। रिकवरी हम अभी तक उसकी बहुत ज़्यादा नहीं कर पाए हैं, 1,64,70,00 तो समथिंग लाइक दैट, यानी कि आप 1,65,00,000 के आसपास कह सकते हैं रिकवरी अब तक हुई है। हालांकि पिछले कुछ दिनों हमने लगातार ओवर टाइम, संडे भी इस बार हमने वर्किंग रखा था, रिबेट थी लोगों को, हमने कोशिश की थी संदेश देने की और लोग आए भी हैं। स्मॉलर यूनिट्स से तो रिकवरी काफ़ी हद तक हुई है। सिटी तालका न्यूज़ के इस अंक में फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। खबरें ऐसी जो आपको जोड़े राजनीति से, खेल कूद से, व्यापार से, ज्ञान विज्ञान और संविधान से, खबरें ऐसी जो आपको जोड़े सामाजिक सरोकारों से, खबरें ऐसी जो आपको सावधान रखे अपराधों से, घटनाओं से, गुनाहों से, हर खबर का असर, आपका भरोसा ही हमारी पहचान। एक साल बेमिसाल सिटी तहलका सच के साथ।